एक्टिंग देखेंगे, उसका आर्टवर्क देखेंगे। तुम्हारे काम में दम है तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हें पैसा मिलेगा, दौलत शौहरत सारी चीजें मिलेंगी। अल्टीमेट तो यार तुम्हारे काम में ही दम होना चाहिए। वी डोंट नीड डिग्री। अदर कोर्सेज की बात करें, अगर आर्ट को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करें, लाइक इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, इंजीनियर की डिग्री बहुत जरूरी है, डिग्री होना बहुत आवश्यक है उसके पास। डॉक्टर के पास डिग्री होना बहुत ही बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर के हाथ में होती है हमारी जिंदगी एक तरह से। अगर मान लो सपोज इंजीनियर ने कोई प्लेन बनाया और वो प्लेन बनाने में एक पुर्जा इधर उधर कर दिया, थोड़ा सा मान लो डिजाइनिंग में गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं, जान मान को खतरा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली फॉर अ डॉक्टर, एक बच्चा है बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई उसकी, अब माँ बाप उस डॉक्टर वो अनजान व्यक्ति के भरोसे जाते हैं वहां पर कि यार ये व्यक्ति मेरे बच्चे को ठीक करेगा, ठीक है। वो भरोसा क्यों शो कर पा रहे हैं? क्योंकि नामी डॉक्टर है, बड़ा अस्पताल है, इसने कुछ ना कुछ इसके पास डिग्री डिप्लोमा होगा, तैयारी की होगी, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। अगर मान लो उसके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ये सारी चीज नहीं है, किसी गैर आदमी पे हम अपने बच्चे की जिंदगी नहीं सौंप सकते वहां जाकर के, पता नहीं कौन सी नस काट के जान ले लेगा इसकी, है ना, ये चीज। सो वी नीड डिग्री। इफ यू आर डॉक्टर देन हमारे पास डिग्री होना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर अगर डिग्री नहीं है डॉक्टर के पास, भैया बहुत रिस्क हो सकता है, ठीक है, जिंदगी खराब हो सकती है, जिंदगी बर्बाद मतलब क्या खत्म हो सकती है एक तरह से। सो लेकिन आर्टिस्ट के लिए हमें डिग्री की जरूरत नहीं है। तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने बीएफए नहीं किया अब क्या होगा, क्या हम आर्टिस्ट बन पाएंगे। अरे डेफिनेटली बन पाओगे। 90% आर्टिस्ट बिना डिग्री डिप्लोमा के ही झंडा गाड़ते हैं, ये देखा गया है। डिग्री नहीं होती, कुछ नहीं होता, खाली होता है उनके पास स्किल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गुरु मंत्र बताता हूँ, बड़ा भाई समझ के कान खोल के थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को। एक गुरु मंत्र बताता हूँ सफलता का। सफलता का गुरु मंत्र आर्ट की फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में, वो गुरु मंत्र ये है यार कि किसी भी एक बिंदु पे, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी एक बिंदु पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, पूरा जोर उस एक बिंदु पे लगाना है, पूरी एनर्जी उस एक बिंदु पे लगानी है। क्या मतलब है भैया इसका? मतलब ये है कि यदि आपके पास पढ़ने के लिए क्लास में 5 सब्जेक्ट हैं और पांचों सब्जेक्ट में आप कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ये पढ़ने बैठते हो तो वो रह जाता है, फिजिक्स पढ़ने बैठते हो तो मैथमेटिक्स रह जाता है, मैथमेटिक्स के चक्कर में हिंदी फिंदी सब कुछ एक तरह से एवरेज होकर के रह गया। अब भैया पांचों सब्जेक्ट में एवरेज होने से अच्छा है एक सब्जेक्ट में टॉप कर जाओ, और वो एक सब्जेक्ट धांसू होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है 5 सब्जेक्ट तुम्हारे पास हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स है केमिस्ट्री है, अगर इन सब्जेक्ट्स में से तुमने सोचा कि हिंदी में टॉप कर लेता हूँ झंडा काट दिया मैंने, नहीं, टॉप करना है तो फिर मैथ में करके दिखाओ मेरे को। समझ रहे हो तुम कि एक बिंदु पे तुम्हें फोकस करना है, एक बिंदु पे तुम्हें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है और उसमें टॉप करके दिखाना है। जब तक तुम उसमें टॉप नहीं करते, बाकियों में चाहे तुम ऑन एन एवरेज नहीं तो चाहे फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एक में झंडा गाड़ो। फिर जब तुम झंडा गाड़ोगे एक में, अपना पूरा ध्यान लगाओगे एनर्जी लगाओगे, उसके बाद जब तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे और जब तुम्हें एक एनर्जी मिलेगी, जो कॉन्फिडेंस मिलेगा अंदर से कि यार मैथ्स जैसे खतरनाक सब्जेक्ट के अंदर मैंने झंडा गाड़ दिया, और जो कॉन्फिडेंस होगा क्लास के बच्चे बोलेंगे यार ये क्या बंदे ने झंडा गाड़ दिया गणित के अंदर, अभी तो फेल हो रहा था अभी टॉप कर रहा है एक तरह। जो कॉन्फिडेंस मिलेगा अंदर से तुमको, तो वो कॉन्फिडेंस के दम पे तुम बाकी के जो 4 बचे सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी तुम धीरे धीरे झंडा गाड़ना शुरू कर दोगे। तो गुरु मंत्र यही है कि यार आर्ट की फील्ड में भी कोई एक मीडियम, कोई एक फील्ड पकड़ के बैठ जाओ तुम। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल तुमने पोर्ट्रेट चूज किया, तो पोर्ट्रेट में भी तुम एक कोई सा मीडियम चूज कर लो, ग्रेफाइट पेंसिल। अब इसी मीडियम के अंदर, इसी फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो इसी एक के ऊपर। अब तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें पोर्ट्रेट दिख रहा है, तुम्हें ग्रेफाइट पेंसिल दिख रही है, इन मीडियम के अंदर इन 2 चीजों में तुम्हें खेलना है, इसमें अपना स्टाइल को परफेक्ट करो। मैं बोलता हूँ पोर्ट्रेट नहीं, तुम लैंडस्केप को परफेक्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी है, लैंडस्केप वाटर कलर से उसको परफेक्ट कर लो, लेकिन परफेक्शन होना चाहिए, उसके तुम मास्टर बनने चाहिए उसमें, उस फील्ड के अंदर तुम्हें हराने वाला फिर कोई नहीं होना चाहिए। जिस फील्ड के तुम मास्टर हो ना, तो फिर जो जनता होगी ना वो तुम्हारे पीछे भागेगी, क्योंकि तुम बेस्ट हो, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे जैसे मान लीजिए तुम एवरेज हो, तो एवरेज तो पूरी दुनिया है ना यार, पूरी दुनिया है, तो फिर तुम स्पेशल नहीं हो, फिर तुम्हारे पास क्यों जनता भागेगी? तुम्हारे अंदर क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि तुम अपनी फील्ड के बादशाह हो। यू हैव टू बी द किंग ऑफ योर फील्ड। तुम्हारी फील्ड में तुम्हें कोई हराने वाला नहीं होना चाहिए। फिर
तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर होना ही नहीं चाहिए। जिस फील्ड में तुम्हें महारत हासिल है वो काम फिर दूसरा बंदा करने से पहले भी 10 बार सोचे, फिर जनता तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम्हारे कदमों में होगी एक तरह से, और तब होगा तुम्हारा नाम, जो तुम चाहते हो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अल्टीमेट फंडा